हमने लेंस एंगल्स के ऊपर में 6.1 में सवाल बनाया, तो मैंने आपको अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण, संगत कोण और सम्मुख विपरीत कोण निकालने के लिए कहा। अब ये देखिए, ये दो रेखा खींचा गया है, दो किरण है, ये समानांतर तब होगा, परिभाषा दो रेखाओं के बीच निरंतर सम दूरी हो तो वे परस्पर समानांतर रेखा कहलाती है। जैसे देख लीजिए, रेल का पटरी, खिड़की में जो ये लगा रहता है पाइप, वो सब क्या है, समानांतर रेखा का उदाहरण है, जिसको हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं। अब एक रेखा इसको काटती है, इसको तिर्यक रेखा कहा जाता है, अंग्रेजी में इसको ट्रांसवर्सल कहा जाता है। तब इस पर कुछ थ्योरम है, कुछ प्रमेय है, जैसे पारा, दो समान, ध्यान से देखिएगा, दो समानांतर रेखा को तिर्यक रेखा काटे तो उत्पन्न एक संगत कोण, दो एकांतर कोण बराबर होता है। इसका मतलब यह हुआ कि यदि दिया हुआ है कि मान लीजिए ए बी और सी डी दो समानांतर रेखा को ई और एफ तिर्यक रेखा काटती है, तो उत्पन्न एकांतर कोण जोड़ा क्या होगा, उत्पन्न संगत कोण का जोड़ा क्या होगा, बराबर होगा, और उत्पन्न एकांतर कोण का जोड़ा भी बराबर होगा। जैसे ये कोण एक दो, ये एकांतर कोण हो गया, ये दोनों, और ये संगत कोण हो गया, जोड़ा क्या होगा, बराबर होगा। शर्त क्या है कि दोनों दो समानांतर रेखा को तिर्यक रेखा काटती है। यहाँ क्या बात है, यहाँ इंपॉर्टेंट बात क्या है, दो समानांतर रेखा दिया हुआ है, इसका उल्टा भी सही है। इसका उल्टा क्या है कि यदि दो रेखाओं को तिर्यक रेखा काटे तब उत्पन्न संगत कोण अथवा एकांतर कोण बराबर हो तब रेखाओं को तिर्यक रेखा काटे तब उत्पन्न संगत कोण अथवा एकांतर कोण बराबर हो तब दोनों रेखा परस्पर समानांतर हो। इसका क्या मतलब हुआ कि यदि हमको यह प्रमाणित करने के लिए देगा कि ए बी समानांतर है सीडी का, तब हम क्या करेंगे, तब हम उसका खोजेंगे कि संगत कोण और एकांतर कोण जो है दोनों बराबर है कि नहीं है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि अगर बराबर है तो ये दोनों भुजा जो है ए बी और सी डी क्या होगा, परस्पर समानांतर होगा। समानांतर हम लोग कैसे देखते हैं, ए बी पैरेलल सी डी। ठीक है, अब देखिए उसी क्रम में
वही चित्र है कि ए बी सी डी दो रेखा समानांतर रेखा है, ई और एफ तिरेक रेखा है, तो इसके उत्पन्न अंतर कोण एक ही तरफ ध्यान से देखिएगा, ये वन और ये टू, ये दोनों कोण का योगफल 180 डिग्री होगा, ये दोनों कोण का योगफल 180 डिग्री। क्या तो यदि ए बी समानांतर सी डी है और ई एफ तिरेक रेखा है तो उत्पन्न एक ही और उत्पन्न अंतर कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, ये अंतर कोण और ये बहिष्ठ कोण, तो अंतर कोण का योगफल 180 डिग्री होता है। इसका उल्टा भी सही है, यदि किसी दो रेखा को तिरेक रेखा काटे उत्पन्न अंतर कोण का योगफल अगर 180 डिग्री हो तो वह दोनों रेखा आपस में समानांतर होती है, ठीक है। ये आपके किताब का है, ये है 6.1 से लेकर 6.5 तक का थ्योरम है, उसको प्रूफ नहीं करना है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा बढ़िया से, पढ़ के इसको लिख के आप लोग कॉपी का फोटो खींच के मुझे भेजिएगा, तो कल इस पर हम लोग फिर सवाल बनाएंगे, ठीक है। घर पर रहिए, बढ़िया से पढ़िए, बहुत बहुत धन्यवाद।